गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं मॉर्निंग में ही पूजा वूजा कर रही हूँ स्नान करके, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी, तो बच्चे कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ लग चुकी है स्कूल की। तो अभी बच्चे अपने मन के हिसाब से सोकर उठे हैं और अपने मन के हिसाब से काम कर रहे थे। मैंने सोचा चलो पहले मैं अपने पूजा पाठ को ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए मैं कुछ बना दूंगी, नाश्ता वगैरह तो पूछ करके ही बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पूजा वगैरह करने आ गई थी और आज सुबह सुबह ही मैं चली गई थी ऊपर गार्डन में काम करने के लिए। गार्डन में बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था, सूखे पत्ते हो गए थे, कुछ प्लांट सूख गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मतलब पूछिए मत। और गर्मी होने की वजह से ना बहुत प्लांट को तो बहुत नुकसान हो रहा है। इंसान तो किसी तरह से बच जा रहे हैं, बट प्लांट हो या एनिमल्स जो जानवर होते हैं ना, कुत्ते गाय वगैरह, मतलब उन लोगों को तो खैर, और जो सड़क के कुत्ते होते हैं उनकी तो इतनी स्थिति ख़राब है ना कि मैं सुबह में जब बाहर अपने गार्डन में पानी दे रही थी तो मतलब कुत्ते पानी पीने के लिए एकदम परेशान थे। तो मैंने एक डब्बे में पानी डाल के दिया तो बड़ी मस्त होके पी रहे थे। खैर मैं फिर बाहर आ गई हूँ पूजा करके, तुलसी जी को जल देने गई थी तो मैंने अचार देखा है, तो आज मैं वही अचार में ऑयल वगैरह डालने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो पूजा ख़त्म हो गई तो चाय बना लेते हैं, हो सकता है सिन्हा जी भी उठ गए होंगे, क्योंकि आज कल सबने खूब लेट नाइट मूवी देखी और लेट नाइट सभी सोए, तो बच्चे तो अभी उठ गए हैं, क्योंकि बच्चों की तो कितना भी कुछ हो जाए लेकिन उनकी नींद फिर भी खुल ही जाती है। और अभी सुबह के बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं, तो बच्चे तो उठ गए हैं, साहब भी उठ ही चुके होंगे, बस रूम में लगे होंगे कुछ काम वाम करने में। तो चाय बना लेती हूँ, चाय वाय पीने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैंगो शेक वगैरह कुछ बना दूँ। बच्चों से पूछा मैंने तो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, वो हैवी नाश्ता नहीं करना है, हमें मैंगो शेक वगैरह दे दो। तो मैंने सोचा चलो गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़े से आइस की वो थोड़े ठंडे मिल्क के साथ में आम के ही मैं बना लेती हूँ मैंगो शेक। तो यहाँ पर मैंने देखा फ्रिज में बस 2 ही मैंगो हैं, तो बड़े साइज़ के मैंगो हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इस मैंगो से तो हो ही जाएंगे, मतलब हम 4 जन के तो मैंगो शेक बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन आम को जा रही हूँ, और ये आम जो है ना, ये बैगन फली आम बोला जाता है इसे यहाँ पे, बट मुझे बहुत पसंद नहीं आया है, क्योंकि मैंने ये इसके और भी थे तो मैंने जो कट करके उसको मैंने शेक बनाया था ना, तो वो मुझे बहुत मज़ेदार नहीं लगी थी, तो मैंने छोड़ दिया था इसको 4-5 दिन तक फ्रिज में ही, कि थोड़ा सा ये मतलब पक जाएगी। तो पका तो नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी भी मैं जब छिलके हटा रही हूँ तो इसकी स्थिति वही है, और बहुत ज़्यादा, और इसमें बिल्कुल भी एकदम टेस्टलेस है ये, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंगो शेक चूंकि बनाना है तो चलो इसके साथ में चीनी वगैरह ऐड करके और मिल्क ऐड करके बना लेते हैं, बट अगर आम की क्वालिटी अच्छी होती है ना, टेस्ट अच्छे होते हैं ना, तो मैंगो शेक बहुत मज़ेदार लगती है पीने में। बट मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ पर सारे मैंगो को कट कर ले रही हूँ, मैं ऐसे ही जब मैंगो शेक बनाना होता है तो मैं छिलके हटा करके, और यहाँ पर मैंगो के पूरे मतलब जो भी उसके पल्प होते हैं ना, उसको मैं मतलब नाइफ से ही निकाल लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं ये। और इसी तरीके से जब मैंगो शेक बनाना होता है तो इसी तरीके से करती हूँ। तो खैर उसे मैंने कट करके रख दिया है, तो पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह की चाय अभी तक हुई नहीं है, तो चाय पीने से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, वो तो पता ही है आप लोगों को कि मेरी मॉर्निंग ही चाय से होती है। बट आज चाय लेट हो गई थी क्योंकि सिन्हा जी सोए हुए थे, तो मैंने घर के ही साफ़ सफाई के काम किए, सब कुछ करके स्नान करके पूजा कर लिया, और अभी हम दोनों चाय वगैरह पी लेते हैं। और यहाँ साहब सुबह सुबह ही निकल गए हैं, इनको साइकिलिंग करनी है, मतलब ये भी ना हद करते हैं कभी कभी। मैंने कहा कि मैंगो शेक बन रहा है पी लो, तो नहीं, मैं एक राउंड मार के आता हूँ बस। मतलब बच्चों का क्या है पैसन रहता है, इनकी साइकिल मतलब मौका मिलेगा बस एक राउंड मार करके आ जाना है। तो खैर मैं भी छोड़ देती हूँ कि छुट्टियाँ लग गई हैं तो बच्चों को थोड़ी मस्ती चलती है, बट अभी धूप इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धूप बहुत अभी भी मतलब शुरू हो चुकी है, और 1 घंटे के बाद तो एकदम कड़कती भड़कती धूप हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, आरुल आ जाएगा, उसे मैं बाहर छोड़ने चली गई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर रोज़ एसेंस डाल रही हूँ, तो ये ना बहुत ही मतलब ये होती है, मतलब इसको आप पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी मैंगो शेक में डालिए ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ी आइस क्यूब डाली है, चीनी डाल रही हूँ मैं, चीनी मुझे यहाँ पे ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इस आम में बिल्कुल ही टेस्टलेस आम है, इसमें टेस्ट ही नहीं है और मीठापन तो खैर बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पे मैंने ठंडे दूध डाले हैं, दूध बॉईल करके छोड़ दिया था, उसे रूम टेम्परेचर पर आने दिया। वैसे फ्रिज की रखी हुई मिल्क होता तो सबसे ज़्यादा मस्त है। और आइस क्यूब डाल करके ये लीजिए, हमारे तो मैंगो शेक बनकर रेडी हो गए हैं। बट क्या होता है ना कि आम की क्वालिटी चाहे जो भी हो, ऐसे बैगन फली आम अच्छी होती है, बट मुझे अभी वो पता नहीं क्यों ऐसी टेस्टलेस लगी थी, लेकिन इसके शेक बहुत अच्छे लगे थे। तो वही है कि जो आम पसंद ना आए उसके मैंगो शेक बना लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सद भी जाते हैं, नहीं तो क्या होता बहुत बहुत आम फेंकना पड़ता है। तो मैं अब यही करती हूँ कि जो आम नहीं, पर खाने लायक नहीं होते, बस उसकी शेक बना दो, चीनी वीनी डाल के, बस बच्चे मस्त होकर के पी लेते हैं। और खुद भी हम लोग तो यहाँ पे हम सभी बैठ गए हैं, और सिन्हा जी निकलने वाले हैं मार्केट, तो क्योंकि घर में साग सब्जी कुछ भी नहीं है, लेने वाले हैं, लेकर आएंगे। और आज है चूँकि संडे है, तो संडे को ही सिन्हा जी सारा कुछ मार्केटिंग करके रख देते हैं सब्जियों की, और उसके बाद तो ये मैंगो शेक पी करके निकल जाएंगे साग सब्जी लेने के लिए। तब तक मैं अचार वगैरह के काम करूँगी, और मैंगो शेक बनाते बनाते मेरे टॉप पे पूरे मैंगो शेक गिर गए हैं, तो मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। टॉप पूरी मतलब ये हो गई थी, मैंगो शेक गिर गई थी। अरुण अच्छे से चलाओ, अच्छे से। अरे तो यहाँ पे फ्रेंड आम जो थे, मतलब अचार जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो अब मुझे इसमें तेल डालना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कच्ची घानी तेल फॉर्चून की, और इसको यहाँ पे कोई भी गर्म करके धुआं निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल जो है ये पुरानी वाली है। और मैं एक दो बॉटल हमेशा मतलब इसको रख देती हूँ, जब जब भी लेती हूँ तो अचार वगैरह के लिए, तो इसे मैं थोड़ा सा पुराना होने देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इसको आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इससे जो है ना धुएँ निकाले हुए होते हैं, जो गंध होती है ना तेज वाली वो, तो इसलिए इससे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो मैंने ऑयल डाला है, उसमें आपको अचार को डुबो डुबो करके निकालना है। तो यहाँ पर मैं वही सबको डुबो दे रही हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे थोड़े थोड़े सोक कर रहे हैं वो ऑयल में, वैसे वैसे बस सबको डब्बे में भरती जा रही हूँ यहाँ पे मैं। और इसी तरीके से सारे अचार को कर देना है। उसके बाद ऊपर से मैं इतने ऑयल इसके ऊपर डाल दूंगी कि मतलब इसके अचार जो है ना एकदम से अच्छे से मतलब ऑयल में डूबे रहेंगे, तो वो धीरे धीरे ऑयल जैसे जैसे वो मतलब एब्जॉर्ब करते हैं ना अचार, वैसे वैसे वो अचार फूलना शुरू हो जाता है, और ये आम फूल जाएंगे। और बारिश के टाइम जब आती है ना, मतलब 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं इसको, जब बारिश के टाइम आएगी ना उस टाइम में आप देखेंगे ना कि अचार बहुत अच्छी फूली फूली मोटी मोटी सी हो गई है, और इसके गुदे मतलब अंदर में जो इसके पल्प होते हैं ना अचार के, वो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये हमारे तरफ की बहुत ही ट्रेडिशनल मतलब ये अचार है, बहुत ही मतलब दादी नानी लोग भी बनाया करती थी, उससे पहले के लोग भी बनाते थे, और मेरी मम्मी भी बनाती थी। तो मुझे ये, मैं बचपन में उनको देखा करता, मुझे बहुत पसंद आता था। इवन जब ये आम हल्दी नमक देकर कट कर आम को काट करके और हल्दी नमक दे करके जब उसको पानी निकाला जाता था और उसको ड्राई होने के लिए धूप में रखा जाता था ना, मैं तो उसी टाइम पे कितने आम उसके मैं खा जाया करती थी। हालांकि ज़्यादा खट्टे आम बच्चों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि उनकी याददाश्त जो होती है ना वीक होने लगती है धीरे धीरे, और पढ़ाई वगैरह मतलब इससे पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मुझे भी डांटा जाता था घर में, मेरी जो काम वाली बाई थी वो भी डांटती थी, मम्मा भी डांटती थी, लेकिन मैं खा ही लेती थी हर हाल में छुपा करके। तो और उसके बाद जो बने हुए अचार होते थे वो भी, मतलब बिना अचार के तो हम सभी का बचपन में खाना ही नहीं होता था, हम भाई सभी भाई बहन का। और मम्मी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया करती थी, और मतलब फैमिली रिलेशन में भी लोग मम्मी के हाथों का अचार ले जाया करते थे, बहुत पसंद आता था लोगों को। तो यहाँ पे जो ऑयल बच गई ना, उसमें मैंने क्या किया है कि कश्मीरी लाल मिर्च मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ, इसको मिक्स करके और अचार के ऊपर से डालूंगी ना, तो जब कुछ समय के बाद जब अचार इसके फूलने शुरू होंगे ना, तो इतने अच्छे कलर इसके हो जाते हैं ना, बहुत अच्छे मस्त वाले कलर आ जाते हैं इसमें अचार में। तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, तीखी तो नहीं होती है वो, लेकिन कलर बहुत अच्छा देती है। जैसे आप, जैसे मैं रेसिपी में ही बताती हूँ कि डालिए तो कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कलर बहुत अच्छे आएंगे रेसिपी के, वैसे ही कोई भी सब्जी वगैरह की वैसे ही यहाँ अचार में भी है। अगर आप ऑयल में मिक्स कर डालेंगे ना, अभी इसके कलर कितने मस्त दिख रहे हैं, लेकिन अभी 2 से 3 दिन मुंह पे इसके ना कपड़ा बांध करके, मतलब मलमल का कपड़ा या कोई रुमाल कॉटन का, मैंने कॉटन का रुमाल ही डाल दिया है और एक रबर लगा दी है, और इसे आप धूप में डाल दीजिए, और इसको ना 2 से 3 दिन तक आपको धूप दिखाना है। उसके बाद आप ऐसे जगह पे इसे स्टोर करके रखिए जहाँ पे मतलब ये नहीं हो, मतलब पानी
पानी वगैरह का कोई भी ऐसा नहीं हो, और इसको आप स्टोर करके रखिए, मस्त रहेंगी, कोई बस गीले हाथों से छूना नहीं है। तो अचार तो मैंने रख दिया धूप में, और हम सभी जा रहे हैं खाना में, क्योंकि मैं अचार वचार करने के बाद मैंने फिर मतलब दोपहर का लंच मैंने रेडी किया है। तो आज सैमू के पसंद की मैंने यहाँ पे चिकन करी बनाई है और राइस है, सीना जी सैलेड वगैरह मतलब वो रेडी कर रहे हैं, और कच्चे आम के जो धनिया और पुदीने की जो चटनी होती है ना वो है, जिसे महाराष्ट्र में ठेचा बोला जाता है, उसे बाकी जगहों पे चटनी बोलते हैं, जैसे बिहार यूपी दिल्ली ये सब जगह पे उसे चटनी कहा जाता है, और वही मैंने बनाया है। तो बस आज दोपहर का लंच हमारा यही है। तो चिकन जो मैंने बनाई वो समृद्धि को बहुत पसंद आती है, और उसको चिकन वैसे इसको बटर चिकन हो और बाकी जो भी वैरायटी है ना सब इसको बहुत पसंद आती है, लेकिन ये वाली चिकन की ग्रेवी जो है ना ये इससे ज़्यादा इसके पापा को बहुत पसंद है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आज की जो चिकन है वो शैमू से ज़्यादा ज़्यादा पापा को पसंद है, तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आज मैंने बनाई है, इनको बहुत पसंद है। वैसे ये सब कुछ खाते हैं, आप जितना भी कुकिंग में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना आप सब कर सकते हैं इनके लिए, मैं टोटल एक्सपेरिमेंट करती हूँ और ये बहुत मज़े से खाते हैं, इनको मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन पहले के जो ट्रेडिशनल लोग होते थे ना, जैसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, तो आज भी हैं जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वाला खाना नहीं खाना चाहेंगे, बट इनको बहुत पसंद है। लेकिन आज मैंने जो बनाया वो ट्रेडिशनल चिकन करी बनाई है मैंने, जो मतलब चंपारण चिकन करी होती है ना वो, और साथ में प्लेन राइस सैलड खट्टे आम की चटनी, और बस यही हमारा लंच है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग तो जा रहे हैं लंच करने, जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग आ जाइए और चलिए फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।